परिचय दोस्तों आप जानते हैं कि पतंग कैसे उड़ती है किसी पेड़ की पत्तियां कैसे हिलती हैं क्या तुम कभी कागज की बनी फिरकी के साथ खेले हो ऐसा कैसे होता है दोस्तों यह होता है हवा के चलने की वजह से हवा हमारे चारों तरफ मौजूद होती है और हम इसे महसूस कर सकते हैं आओ सीखें हवा की विशेषताओं की सूची बनाना हमारे जीवन में हवा और पानी की भूमिका बताना हवा किसी जगह को भर देती है जब हम किसी गुब्बारे में हवा भर देते हैं तो वह बड़ा हो जाता है इससे साफ जाहिर होता है कि हवा जगह घेरती है हवा में भार भी होता है आप देख सकते हैं कि हवा से भरा गुब्बारा खाली गुब्बारे से ज्यादा वजन वाला होता है चीजों को जलाने के लिए हवा की जरूरत होती है कभी कभी हम लकड़ी या कोयला जलाने के लिए हवा फूंकते हैं ऐसा इसलिए है क्योंकि हवा की मौजूदगी में चीजें ज्यादा तेजी से जलती हैं हम हवा के बिना जीवित नहीं रह सकते जब हम सांस लेते हैं तो हवा अंदर और बाहर जाती है इससे जाहिर होता है कि हवा के सहारे ही जीवन चलता है पानी जीवन के लिए जरूरी है क्या हम बिना पानी पिए जिंदा रह सकते हैं क्या मछलियां बिना पानी के जिंदा रह सकती हैं नहीं हम सभी पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकते इसलिए पानी सभी जीवों के लिए जरूरी है पानी हमें कुओं तालाबों झरनों नदियों झीलों और समुद्रों में मिलता है पौधों को पानी चाहिए सिर्फ जानवरों को ही नहीं पौधों को भी जिंदा रहने के लिए पानी चाहिए वरना वे सूख जाते हैं जानवरों को पानी चाहिए क्या आप जानते हैं कि जानवरों को भी हमारी तरह प्यास महसूस होती है बिना पानी के वे भी जिंदा नहीं रह सकते हमने क्या चर्चा की हवा हमारे चारों ओर होती है हवा जगह घेरती है हवा में वजन होता है चीजें हवा की मौजूदगी में जलती हैं पानी हमारे लिए आवश्यक है जीवित रहने के लिए पौधों और जानवरों को पानी चाहिए